press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। इससे प्रदेश की 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। इसके अलावा हाल ही आई फिल्म पैड मैन के बाद महिला स्वास्थ्य को लेकर और जागृति आई है। इसी क्रम में सरकार सैनिटरी पैड बांटने पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,500 रुपए, सहायिका को 3,500, साथिन को 3,300 और आशा सहयोगिनियों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मानदेय कर्मियों के देय अंशदान को समाप्त करने की घोषणा की। अब बीमा योजना के प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना में नियोजित तरीके के लिए 1,000 नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती की जाएगी। हमने वर्ष 2016-17 के बजट में महिला मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाया था। महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं महिला मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,730 के स्थान पर 6,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3,365 के स्थान पर 4,500, सहायिका को 2,565 के स्थान पर 3,500, साथिन को 2,400 के स्थान पर 3,300 एवं आशा सहयोगिनियों को 1,850 के स्थान पर 2,500 प्रति माह देने की घोषणा करती हूँ। इस बढ़ोतरी से 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना का संचालन वर्ष 2006-07 में किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 600 रुपये एवं अन्य मानदेय कर्मी द्वारा 300 रुपये वार्षिक प्रीमियम 25:75 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेय कर्मी द्वारा देय अंशदान को समाप्त करते हुए मैं प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इस बीमा योजना के लाभान्वितों में साथिन को भी शामिल करते हुए राज्य सरकार के अंशदान को 1,45,00,000 से बढ़ाकर 5,00,00,000 करने की घोषणा करती हूँ और इस योजना में भविष्य में 1,84,000 महिला मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिका एवं महिलाओं में मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा करती है। योजना में स्टेक होल्डर सेंसिटाइजेशन के साथ सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जाएगा। विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और योजना के लिए प्रारंभिक तौर पर 76,00,000 का प्रावधान प्रस्तावित है। नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर्स द्वारा लंबे समय से बाल विकास परियोजनाओं में नियोजित करने की मांग की जा रही है। मैं 1,000 नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती की घोषणा करती हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 15 से 45 वर्ष तक की ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं में सैनिटरी पैड वितरण के लिए 76,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे।